दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा है पूरे पांच लाख रुपया आप बचा सकते हैं और शायद उससे भी ज्यादा अपने घर पे और बिना घर की मजबूती को कम किए हुए तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि घर की मजबूती बनी रहे और आप पैसा भी बचा सके काफी सारा अपने बजट में घर को बना सके बस आपको इसके लिए पूरी वीडियो देखनी है दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें आप ए टू जेड सब समझ जाएंगे कि अपने घर में आपको बनाते हुए पैसा कैसे बचाना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पहला पॉइंट है जहां आपके पैसे बचेंगे वो है फ्रंट एलिवेशन देखिए दोस्तों फ्रंट एलिवेशन यानी घर का फ्रंट लुक आज की डेट में सबको अच्छा लुक चाहिए और इसी चक्कर में लोग फालतू के पैसे लगा देते हैं फ्रंट में और बाद में उनको रियलाइज होता है कि भाई फ्रंट इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है और पैसा लग चुका है बहुत ज्यादा तो फ्रंट एलिवेशन में दोस्तों एक तो आपको फाइबर प्लास्टिक जो टाइल्स आजकल चल रही है वो यूज नहीं करनी है एमडीएफ वगैरह की प्लाई फ्रंट पे यूज नहीं करनी है और ना ही पीओपी डिजाइन आपको फ्रंट में यूज करना है देखिए ये सब महंगे होते हैं और इनकी लाइफ बहुत कम होती है तो अपने फ्रंट पे दोस्तों आप एक्सटीरियर वॉल टाइल यूज कर सकते हैं वो भी कम से कम मात्रा में और कोशिश यही करिए कि आपके फ्रंट में जो डिजाइन रहे ज्यादा से ज्यादा डिजाइन सीमेंट का हो क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है और सीमेंट का डिजाइन दिखने में अच्छा भी लगता है थोड़ा सा मॉडर्न करने के लिए आप वुडन फिनिशिंग की टाइल यूज कर सकते हैं वॉल टाइल एक्सटीरियर में में दूसरी बात है दोस्तों कि आपको फ्रंट स्टील गेट नहीं लगाना है देखिए स्टील गेट बहुत ही महंगा आता है इसके बदले आप आयरन का लोहे का गेट लगाएं लोहे के गेट के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं और पैंतालीस सस्ता होता है स्टील के गेट से अगर आपका बजट कम है तो फ्रंट में गिलास का यूज ना ही करें कांच की रेलिंग वगैरह या कांच की ममटी के अंदर यूज़ ना करें क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है तो सीमेंट के डिज़ाइन से एक्सटीरियर वॉल टाइल लगा के लोहे का गेट लगा के और ग्लास का ना यूज़ करके भी आप अपने घर को बहुत अच्छा फ्रंट लुक दे सकते हो अगर आपको लुक समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मैं आपको आपके बजट के हिसाब से फ्रंट डिजाइन करके दे दूंगा नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताए दोस्तों दूसरा पॉइंट है जहां आपका पैसा बचेगा वो है फ्लोर और सीलिंग देखिए जो आपका फ्लोर है जरूरी नहीं इसमें आपको ग्रेनाइट लगवाना है या मार्बल लगवाना है आप वहां पर सेकंड क्वालिटी की टाइल भी यूज कर सकते हैं जो आपका लोकल मैन्युफैक्चर जो आपके लोकल एरिया में मैन्युफैक्चर है उससे टाइल लेके भी आप लगा सकते हैं दोस्तों वहां पर टाइल लगाने में लेबर रेट भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है दूसरी बात जो आपका पोर्च है जहाँ आपकी गाड़ी या बाइक खड़े होने वाली है वहाँ पर टाइल मत लगवाएं वहां पर आप मार्बल के छोटे पीस सीमेंट के साथ मिला के लगवा सकते हैं जो कि बहुत मजबूती से बना रहेगा और काफी लंबे सालों तक चलेगा तो मैं टाइल का रिकमेंड करूंगा आपके फ्लोर के लिए देखिए दोस्तों बहुत सारी ब्रांड ब्रांड भी आती हैं वो बनी है मार्केटिंग कर, -कर के। तो जरूरी नहीं जो आपके लोकल एरिया में वो खराब है क्योंकि उसका नाम नहीं है हो सकता है वो अच्छा सामान भी देता हो तो कम से कम रेट में आप फ्लोर का निश्चिंत होकर टाइल लगवाएं इससे आपकी काफी कॉस्ट कटिंग होगी अब दूसरा दोस्तों सीलिंग अब सीलिंग के अंदर भी जरूरी नहीं आपको फॉल सीलिंग करानी है डिजाइन के लिए आप चारों तरफ कंसील लाइट लगवा सकते हैं अपने लेंटर के अंदर उससे अच्छा लुक आता है और सिंपली आप कॉर्नर में प्लस माइनस पीओपी करा सकते हैं ये सस्ती पड़ती है और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है आपको ये नहीं बार वो टूट के गिर रही है क्योंकि कम से कम डिजाइन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसका लाइफ रहेगा दोस्तों तो फॉल सीलिंग और फ्लोर की कॉस्ट कटिंग करके आप करीबन 25 से 30 परसेंट पैसा बचा सकते हैं अपना दोस्तों अगला पॉइंट है जहां अपना पैसा बचा सकते हैं वो है लकड़ी का काम देखिए जो आपके घर में चौखट यानी फ्रेम लगने वाली है डोर विंडो के और जो डोर और विंडो लगने वाले हैं जब भी आप कारपेंटर के पास जाएंगे तो तो आपको रिकमेंड करेगा भाई साहब मलेशन साल लगवा लीजिए कपूर साल लगवा लीजिए लेकिन दोस्तों बहुत महंगी पड़ेगी आपको वो अगर आपका बजट कम है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जमोए की वुड यूज करें जमोए की जो लकड़ी होती है उसके अंदर दीमक भी नहीं लगती है और दोस्तों यकीन मानिए मेरे घर में भी लगी है और 25 साल हो गए अभी तक ना कोई भी चौखट बैंड हुई है ना उसमें दीमक लगी है तो आप जमोए की चौखट यूज करें खिड़की और दरवाजों के लिए अगर बजट कम है और जो आपके दरवाजे के पल्ले हैं दोस्तों जरूरी नहीं आपको सागवान के लेने हैं शीशम के लेने हैं वो आप फ्लश टोर जो आज की डेट में रेडीमेड बने आते हैं डेढ़ हजार है रुपए तो शुरू हो जाते हैं डेढ़ हजार है से लेके चार हजार पांच हजार तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा वो ले तीन हजार में आपको बहुत अच्छे से अच्छा पल्ला मिल जाएगा उसमें अच्छे से अच्छे डिजाइन के साथ वो रेडीमेड होगा और उसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आती उसमें दिमक भी नहीं लगती है आपके बजट में बिल्कुल वो सटीक रहेगा और बजट के अनुसार दोस्तों आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको जाली वाले पल्ले लगवाने हैं कि नहीं लगवाने हैं अब जो दोस्तों जाली के पल्ले हैं वो आवश्यकता नहीं कि आप हर गेट और खिड़कियों में लगवाएं जो खाली बाहर के मेन खिड़कियों दरवाजे हैं खाली वहीं पर ही लगवाएं आप जाली के पल्ले ताकि मच्छर और मक्खी घर के अंदर ना आ पाए अंदर लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों अगला पॉइंट है जहाँ अपना पैसा बचा सकते हैं वो है अलमीरा और वॉड्रॉप देखिये दोस्तों जब भी आपका घर बन रहा हो तो अपने मिस्त्री से आप पहले ही बोल दें कि मुझे आर की अलमीरा चाहिए क्योंकि आर की अलमीरा की लाइफ बहुत ज्यादा होती है उसमें फ्रंट में आप लकड़ी या स्टील लगवा के उसमें अच्छा लुक आप दे सकते हो तो अगर आप आर की अलमीरा बना रहे हैं तो आप कम से कम बीस से पच्चीस हजार रुपए जो वुडल की अलमीरा बनने में आते हैं वो आप बचा लेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है सेप्टिक टैंक जहां अपना आप पैसा बचा सकते हैं दोस्तों जब भी आप सेप्टिक टैंक अपने कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर काफी पैसे लेता है और साथ ही साथ आपका काफी सारा मटेरियल भी उसमें लग जाता है तो इसकी कॉस्ट कटिंग करने के लिए दोस्तों आप रेडीमेड आरसीसी सेप्टिक टैंक और सॉकपीट ले सकते हैं इनको लगाने में टाइम भी बहुत कम लगता है और 50 परसेंट पैसा जो आपका सॉकपिट और सेप्टिक टैंक में लगता है ट्रेडिशनल मेथड में वो आपका पैसा बच जाता है तो आप सिलेंड्रिकल आरसीसी सी सॉकपिट और सेफ्टी टैंक का ही यूज करें अगर आपका बजट कम है तो और दोस्तों अगला पॉइंट है जहां अपने आप एक से डेढ़ लाख रुपए बचा सकते हैं वो है आपका मॉडुलर किचन और आपके घर के टॉयलेट और बाथरूम दोस्तों इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि कम से कम रेट पे कैसे आपको बनाना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ फिर से मुझे पूरी उम्मीद है आप जाके देखेंगे दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएं डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के लिंक्स हैं टॉयलेट के और मॉडल किचन के इनको जरूर देखें वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ है